आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। दयालबाग विश्वविद्यालय में ओपन डे समारोह मनाया गया। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर एम बिलाल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए गए ओपन डे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान छात्र छात्राओं और अभिभावकों में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा था। दयालबाग विश्वविद्यालय में ओपन डे समारोह मनाया गया। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर एम बी लाल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए गए ओपन डे कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं शिक्षकों के साथ विभिन्न संकाय और कॉलेज के कर्मचारियों ने अपनी साल भर की उपलब्धियों को आगंतुकों के समक्ष प्रदर्शित किया। है दयालबाग शिक्षण संस्थान, इसका ओपन डे मनाया जाता है, फाउंडर्स डे, जो हमारे जिस DI की फाउंडेशन जो रेवियर्ड डॉक्टर एम बी लाल साहब द्वारा रखी गई थी, ये उसी के उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 31 जनवरी फाउंडर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ओपन डे समारोह के अवसर पर दयालबाग शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं ने साग भाजी के साथ साथ अन्य प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई। इस दौरान छात्र छात्राओं और अभिभावकों में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा था। हाँ, मैं एक जिज्ञासु हूँ, उपदेशी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता था कि आज ओपन डे है जो 1 ईयर में पूरे साल में सिर्फ एक ही बार मनाया जाता है। तो मैं स्पेशली इसीलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है ये साल में सभी लोगों के लिए ओपन होता है, तो ये रोज डेली का नहीं होता है, तो मैं उसके लिए स्पेशली यहाँ पे आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मेरे हस्बैंड जो है, अभी मेरी मैरिज हुई है, तो मैं स्पेशली इनको भी दिखाने आई हूँ यहाँ पे कि आप आइए यहाँ पे देखिए दयालबाग में किस तरीके से बच्चे जो हैं हर चीज़ को बनाते हैं, करते हैं, प्रदर्शन होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के कि बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ की गई है यहाँ पे। ओपन डे समारोह के अवसर पर पूरे भारत और विदेशों में दयालबाग शिक्षण संस्थान के 477 शिक्षा और ICT केंद्रों में बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ओपन डे पर दयालबाग शिक्षा संस्थान के छात्र छात्राओं ने अपने हाथों से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देख कर हर कोई तारीफ कर रहा था। दयालबाग विश्वविद्यालय में कई प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जो आप उसमें देख लेंगे। इसके साथ ही कई आध्यात्मिक कार्यक्रम भी सुबह 4 बजे से खेतों में आयोजन हुआ, उसके बाद अभी भी खेतों में 3 बजे से फिर आयोजन है। आप लोग सब घूम के देखिए, आज हम ये जो दिवस है बहुत ही श्रद्धापूर्वक मालिक के चरणों में भक्ति करते हुए मनाते हैं। दयालबाग विश्वविद्यालय के संस्थापक की जयंती के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने पर्यावरण पर विशेष मॉडल तैयार किए, जिसे देखकर दर्शकों ने खूब सराहा। दयालबाग विश्वविद्यालय की करीब 200 बीघा जमीन में अलग अलग प्रकार के खाद्य सामग्री का उत्पाद किया जाता है। इस खाद्य सामग्री के उत्पादन में बाहर का किसी भी तरह का रसायन प्रयोग नहीं किया जाता है। गाय के गोबर और मूत्र से ही खाद तैयार कर खेती में प्रयोग किया जाता है। देखिए, आजकल ICT का जमाना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें हमने बहुत आगे पहल ले ली है। अभी पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी पूरे 477 सेंटर्स पे अभी ये आज का दिन सेलिब्रेट हो रहा है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, यहाँ की एक्टिविटीज़ वहाँ दिखाई जा रही है। तो ये बड़ा अनूठा ओकेज़न है, और इसमें आपको बता दें कि हमारे यहाँ पूरा ऑनलाइन सिस्टम से एडमिशन भी टाइम से हो गया, सारे एग्ज़ाम भी हो गए पेपरलेस एंड कॉन्टेक्टलेस, जो इस समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दयालबाग में देसी के साथ साथ विदेशी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इसमें कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका कैंसर जैसी बीमारी में प्रयोग किया जाता है। सब्जी उगाने के लिए चारों तरफ से जाल लगाया गया है, जिसमें पानी के लिए पंपिंग सिस्टम लगाया गया है। बताया गया है कि इस तरह की खेती कई स्थानों पर की जाती है और ये सामान जुड़े लोगों को सस्ते दामों में वरीयता के साथ उपलब्ध कराया जाता है। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।